हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकमिंग इन माय यूट्यूब चैनल पेशी वाला। एंड आज ये रिकॉर्ड जो हो रही है वीडियो, ये 2 बजे का टाइम है ना, रात के 2 बजे। तो इतनी मेहनत आपके वीडियो लेक्चर में लगती है ना, और एकदम फुल एनर्जी के साथ हमेशा वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे, चाहे 2 बजे, चाहे 1 बजे और चाहे 5 बजे, है ना, सुबह के एकदम एनर्जी के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो वीडियो लेक्चर है, ये कंडक्ट कौन करवा रहा है, मतलब स्पॉन्सर कर रहा है ये क्लासमेट, है ना। क्लासमेट ने इसका प्रमोशन करने के लिए बोला था, इसलिए आपके सामने क्लासमेट का प्रमोशन के लिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो लेक्चर होंगे, तो इसमें अपन पहले 2.1 के लेक्चर अपन पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, है ना। और फिर 2.2 में मैंने आपको हमेशा बोल दिया था, पहले बोला था कि जो लेक्चर नंबर 2 बनेगा उसमें 2 पार्ट बनेंगे। पार्ट ऑफ फ्लावर, द स्टार्क ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पेडिकल। जो फ्लावर की डंडी होती है, स्टार्क होती है, उसे अपन बोल देते हैं पेडिकल। द फ्लावर लीव आर अरेंज इन होल ऑन द फेलन एंड ऑफ द पेडिकल, उसको अपन थैलेमस भी बोल देते हैं। कैलिस एंड कोरोला आर एसेसरी और नॉन एसेंशियल बल ऑफ द फ्लावर। कैलिस एंड कोरोला जो होते हैं वो एसेसरी होते हैं और नॉन एसेंशियल बल ऑफ द फ्लावर होते हैं। इंपॉर्टेंस होती है हर चीज की, लेकिन इतनी ज्यादा इनकी नहीं होती। एंडोशियम एंड पेरियंथ एंड गाइनोशियम की ज्यादा होती है। एंडोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव और एसेंशियल बल ऑफ द फ्लावर, है ना। एंडोशियम और गाइनोशियम जो होता है ना, वो रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्शन करने में काम आता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। हाँ, कैलिस, कैलिस का मैंने हमेशा बोला था आपको, पहले लेक्चर में ही बोला था, कैलिस वर्ड आ जाए तो सेपल, है ना। सेपल क्या होते हैं? पत्तियों के जो पीछे रहते हैं, है ना। कैलिस इज इधर पॉलीसेपलस, है ना। पॉली का मतलब बता दिया था, फ्री होता है, और गेमो का होता है फ्यूज। तो अगर कैलिस पॉलीसेपलस होगा तो वो मतलब हो जाएगा सेपल आर फ्री, सेपल आर फ्री। और गेमो सेपलस होगा तो सेपल आर फ्यूज। कोरोला जब भी आए, आपको हमेशा मन में लगा लेना है कि यार पेटल ही होता है। ठीक है, क्या लगा लेना है मन में? पेटल ही होता है। कोरोला इज इधर पॉलीपेटलस, है ना, पेटल आर फ्री, है ना। और गेमो पेटलस को बोल देते हैं अपन पेटल आर फ्यूज। पेरियंथ, पेरियंथ में हमेशा आपको मैंने एक चीज बोली थी, टेपल्स, है ना, जो ना ही तो सेपल्स हैं ना ही पेटल्स हैं, और वो होते हैं टेपल्स। सेपल एंड पेटल आर नॉट क्लियरली डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म टेपल्स, है ना। इसमें ज्यादा क्लियरली डिफरेंशिएटेड नहीं होता सेपल्स एंड पेटल्स, और इसमें एक अलग ही टाइप का टेपल्स बता देते हैं। मैं आगे आपको एक डायग्राम बताऊंगा। इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड पेरियंथ लीव और टेपल्स। जो इंडिविजुअल यूनिट होती है इसमें, वो पेरियंथ लीव कहलाती है, या उसको अपन बोल देते हैं टेपल्स। एक अलग ही ब्रांच बना लेती है अपनी, है ना, लीव में। व्हेन टेपल आर फ्री, इसे अपन बोल देंगे पॉलीफाइलस, है ना। टेपल का मतलब होता है, अपन उसको फाइलस भी बोलते हैं इसलिए। व्हेन टेपल आर फ्यूज टर्म यूज इज गेमोफाइलस। आगे एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव बल होता है, कितने कंपोज करता है? 1 or more स्टेमन, है ना, 1 या 2 स्टेमन को कंपोज करता है। द स्टेमन इज स्टेराइल एंड डज नॉट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। अगर कोई सा भी एंडोशियम स्टेमन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है ना, स्टेमन का काम क्या होता है? पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करना, है ना। स्टेमन स्टेराइल हो गया, मतलब स्टेमन अपना बेकार हो चुका है ना, और वो पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन को अपन बोल देते हैं स्टेमिनोड। ठीक है, स्टेमन आर अटैच टू द पेटल्स, दे आर डिस्क्राइब एज एपिपेटलस, है ना। अगर स्टेमन अटैच होगा पेटल्स के, तो उस वाली कंडीशन को बोल देते हैं एपिपेटलस। अटैच टू द पेरियंथ तो टेपल्स, अगर एंडोशियम अटैच होगा पेरियंथ या टेपल के, है ना, उसे अपन बोल देंगे एपिफाइलस। एक मिनट रुको, देखो टेपल का नंबर आया तो फाइलस हो गया, पेटल का नंबर आया तो पेटलस हो गया। ठीक है,
इफ आ स्टेमन आर फ्री फ्रॉम वन अनदर, अगर फ्री होगा स्टेमन एक एंड के, है ना, एंड ऑल्सो फॉर्म अदर फ्लोरा बर्ड, एक एंड से फ्री है, एक एंड से एक अलग फूल बना रहा है या फ्लावर बना रहा है, तो द एंडोशियम इज पॉली एंड्रस। पॉली का मतलब क्या बताया था मैंने, फ्री, और एंड्रस का मतलब हो जाता है स्टेमन आर फ्री। अगर इस पूरी टर्म को अपन एंड्रस बोल देते हैं। अब स्टार्ट हो रहा है आज का लेक्चर नंबर टू, ठीक है, लेक्चर नंबर टू जहाँ तक चलेगा वहाँ तक आज अपन पढ़ाएंगे, लेक्चर नंबर 2.2। बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन मोनो अडेल्पस स्टेमन, एक ही जिसमें होता है वो अपना मोनो अडेल्पस स्टेमन बोल देते हैं। द फिलामेंट, फिलामेंट आपको मैंने आपको बता ही दिया था, जो ऊपर जो होता है स्टेमन एंथर बोलते हैं उसे, और नीचे वाली जो डंडी निकलती है, डंडी लाइक स्ट्रक्चर, स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर, उसको अपन बोलते थे फिलामेंट। द फिलामेंट ऑफ होल स्ट्रक्चर इन फ्लावर आर फ्यूज इनटू अ सिंगल बंडल स्टेमिनल ट्यूब एंड द एंथर आर अटैच टू द कनेक्टिव। एंथर हमेशा उसमें, एक मिनट रुको, ठीक है ना, फिलहाल आज फ्यूज इनटू अ सिंगल बंडल स्टेमिनल ट्यूब, है ना। डायडेल्फस, इसमें द फिलामेंट ऑफ स्टेमन आर फ्यूज इनटू टू सेपरेट बंडल, है ना, 9+2। एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ फेबियसी लाइक पी बीन एंड, है ना, आपको हमेशा दिखा होगा मटर का दाना, आप मटर लेते हो एक, तो उसमें एक बट एक मटर नहीं होती, वो उसमें करीबन करीबन 4-5 बंडल होते हैं, है ना, तो उसे अपन 11 के बंडल होते हैं हमेशा, है ना, तो दो दो पार्ट में सेपरेट कर लेते हैं 9+2 में। पोली अडेल्पस, द फिलामेंट आर फ्यूज टूगेदर इन टू मोर देन टू बंडल, एक बंडल नहीं होता, दो से ज़्यादा बंडल होते हैं, ठीक है, ऐसा आप हीटर के प्लांट में देख सकते हो, है ना, लगा होगा आपके घरों में, मैं दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ द स्टेमन दे आर टू टाइप, है ना, काय के ऊपर लेंथ ऑफ स्टेमन, ठीक है, डायडेल्फस और डायडायनेमस। इन फ्लावर दे आर फोर स्टेमन वेयर टू आर लॉन्ग देन अदर टू, दो बड़े होते हैं और दो छोटे होते हैं, इसका ये मतलब है ना। एग्जाम्पल है सेल्विया एंड ल्यूकास, है ना, ये इसके सब प्लांट के नाम है ना, कोई सी भी नर्सरी में आप जाके देख लेना। टेट्रा डायडेमस, इन फ्लावर दे आर सिक्स स्टेमन वेयर आउटर टू आर शॉर्टर देन इनर फोर स्टेमन। एग्जाम्पल मेंबर ऑफ ब्रेशियेकी लाइक मस्टर्ड एंड रेडिश, इसके नोट आपको मिल जाएंगे ना, एक मिनट, स्टेमन, है ना, अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, सिर्फ स्टेमन होते हैं इसमें, टेटा डायनेमिक में दो बड़े होते हैं जो चार से कंपेयर करोगे अगर, है ना, दो छोटे होते हैं चार के मुकाबले, छ होते हैं ना, तो चार बहुत लंबे होते हैं और दो इसमें छोटे होते हैं। ईच स्टेमन कंसिस्ट टू पार्ट फिलामेंट एंड एंथर, आपने हमेशा अभी लेक्चर नंबर वन में मैंने आपको फिलावर का स्ट्रक्चर दिखाया था ना, तो वो स्टेमन जो था, स्टेमन में दो चीजें आती हैं, फिलामेंट नीचे आ जाता है, स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर होता है, और एंथर उसके ऊपर आता है जिस पे बी है ना अटैक्ट होती है। एंथर इज बायलोब एंड ईच लोब एंक्लोज टू माइक्रो स्पॉन्जेरिया, एंथर बायलोब होता है, दो लोब होती है उसमें, और ईच लोब एंक्लोज टू माइक्रो स्पॉन्जेरिया, दो स्पॉन्जेरिया एक लोब करती है। पोलन ग्रेन आर फॉर्म इन ईच ऑफ द माइक्रो स्पॉन्जेरिया, पोलन ग्रेन दोनों में होगी, मतलब दो होती है ना एंथर में, दो होती है तो वो दोनों में होंगी माइक्रो स्पॉन्जेरिया, है ना। स्टेमन, स्टेमन क्या क्या होता है, फिलामेंट प्लस एंथर, आपको ये मालूम है ये चीजें,
फर्टाइल पार्ट प्रोड्यूस पोलन, है ना। एंथर का मतलब क्या होता है, फर्टाइल पार्ट प्रोड्यूस पोलन। एंथर आपको मालूम ही है कि पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है ना, इधर लिख लेता है यार, ये ब्रैकेट लगाना है वो भूल गया जो टाइप करता है। ठीक, फिलामेंट क्या होते हैं, लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टार्च। मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि स्टार्च लाइक स्ट्रक्चर होता है स्टेमन। दो मिनट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, है ना। स्टेमन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट रिप्रेजेंट द फ्लोरा बल कॉल्ड एंडोइकियम, है ना। फोना नहीं बोल रहा इसमें, फ्लोरा बल। दो मिनट रुकना, ठीक है। इट इज सेम एज अ माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ अ लोअर प्लांट। माइक्रोस्पोरोफिल और अपन ये चीजें बहुत आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें क्या बोला है, माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ लोअर प्लांट, छोटे प्लांटों में होते हैं, है ना। ये लास्ट है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर बायलोब्ड, है ना। आपको मालूम ही है कि एंथर बायलोब्ड होता है। टू लोब आर सेपरेट बाय द कनेक्टिव। यार अब आपको कैसे समझाऊं, मैं समझाता हूँ, है ना। दो लोब होती हैं, आपको ये तो मालूम है ना। टू लोब आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव, खाए की सेपरेट होती है। आपने हमेशा देखा होगा कि एक स्टेम जा रही है, सीधी स्टेम जा रही है ना, और उधर से है ना एक ब्रांच निकल गई, तो वो सेपरेट हो गया ना, सेपरेशन हो गया उसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, अगर आप क्लास ट्वेल्थ में ही हो तो। छोटी क्लास में हो तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि छोटी क्लास के भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने आ जाते हैं। आपको बताऊंगा मैं कभी मेरे क्लास में क्या होता था, जब मैं अपने क्लास में पढ़ता था ना, तो हमेशा ये मैंने देखा है कि 11 क्लास का बच्चा 12th में आने के लिए बहुत इच्छुक होता है ना। तो वो एक था हमारी क्लास में ऐसा बच्चा कि वो 12th में, मतलब 11 को ड्रॉप कर ली और 12th में बैठ गया डायरेक्ट। इतना भी क्या भैया हो गए, मैं आपको बताऊंगा, है ना, अपने लाइफ के किसके भी कभी। ईच एंथर लोब एज टू थीका, है ना, दो थीका, अपन बायलोब्ड को ही बोल देते हैं टू थीका। ईच थीका वन माइक्रो एस्पोरेंजिया इन अदर एंथर इज टेट्रा एस्पोरेंजिएट, है ना। एंथर चार बन जाते हैं, है ना, ये आया था ना पहले, आया था यार, बोलिए ना, ये रहा, ये वाली कंडीशन हो जाती है एंथर में। ठीक है, क्योंकि स्टेमन से तो बन रहा है एंथर और फिलामेंट, तो ये वाली जो टेट्रा डायनेमस होता है ना, इन फ्लावर देर आर सिक्स स्टेमन वेयर आउटर टू एंड शॉर्टर देन इनर फोर स्टेमन, है ना। मतलब जो अंदर के जो चार स्टेमन होंगे वो तो बड़े होते हैं, और जो बाहर के जो दो स्टेमन है वो छोटे होते हैं, ये वाली कंडीशन बन जाती है। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 अपन कल करने वाले हैं, और अब ख़त्म भी हो चुका है, कल होगी अब इसकी टाइपिंग, है ना। कल तो ये लेक्चर नंबर 2.2 ही जाएगा, मतलब आज, है ना, सुबह तक 8-9 बजे तक। थैंक यू, इसको आप ढंग से सुनना, एक दो बार आप सुनोगे तभी, है ना। अगर आपको कुछ ऐसा वैसा लग रहा है कि यार भैया मतलब थोड़ा तेज पढ़ा दिया, कम पढ़ाया है, तो आप हमेशा ये याद रखना, कम कुछ ही चीज नहीं होती, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो, है ना। टीचर को अपने आप फिक्र होती है कि यार भैया बच्चे का सिलेबस पूरा कैसे करवाना है, हर चीज का उनको आइडिया देता है। मैं अगर ये कोर्स आपका सितंबर में भी स्टार्ट करूंगा ना, तो भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, रोज 4 वीडियो डालूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट एंड शेयर इट, है ना, ये सबसे बड़ी बात है। अगर शेयर नहीं करोगे तो आगे अपना चैनल प्रमोट नहीं होगा। थैंक यू, सब्सक्राइब इट।